आदरणीय शिवराज सिंह जी, आज आपका वक्तव्य देखा जिसमें आपने कमलनाथ जी पर आरोप प्रत्यारोप किया। आपका वक्तव्य का सार ये है कि कमलनाथ जी इस पेंडामिक में एक शब्द भी आपसे सवाल नहीं पूछे। वो नहीं पूछे कि इस प्रदेश में लगभग 1,00,000 से ज़्यादा मौतें हो गई तो इनका गुनहगार कौन है। वो ये नहीं पूछे कमलनाथ जी कि देश में जो हाहाकार मचा, प्रदेश में जो हाहाकार मचा, सरकार की लापरवाही से मृत्यु और हत्या के अंतर को अगर वो प्रदेश के सामने बताएं तो ये देशद्रोह है। आपके पूरे वक्तव्य का भाव ये है। शिवराज जी, आपको विचार करना चाहिए कि सरकारी तंत्र की लापरवाही के कारण हर गांव में 15 से ज्यादा कोविड से मृत्यु हो गई। किसी पंचायत में आप फोन उठाएं और कर लें, जांच कर लें और सारे जर्नलिस्टों को, मीडिया को सामने बिठा लें। ऐसे ही हर वार्ड में 1,000 पे 8 मृत्यु हुई है। आप किसी भी सर्वे से करवाकर इस भावना को समझ लें। आप रोज योजनाएं घोषित करते हैं, कहीं बच्चों के लिए, कहीं विधवाओं के लिए, कहीं उन मृत्यु जिनकी कोविड से हो गई उनके लिए। अगर आंकड़े ही गलत रहेंगे तो उनका योजनाओं का लाभ कैसे आम जन को मिलेगा। अगर कमलनाथ जी ये कहते हैं कि उन आंकड़ों को सही करो तो ये देशद्रोही है। देशद्रोही तो वो है शिवराज सिंह जी जिन्होंने आंकड़े छुपाकर लोगों की मौत पर राजनीति सेंकने की कोशिश की, और वो आपकी सरकार है। राजनीतिक रोटियां कमलनाथ नहीं सेकते मौत पे, राजनीतिक रोटियां आप सेकते हैं कि जो क्राइसिस मैनेजमेंट की कमेटियां बनेगी क्या सिर्फ बीजेपी की बनेगी। क्राइसिस मैनेजमेंट के नाम पर प्रदेश में कोई योजनाबद्ध तरीके से काम होगा, पर विपक्ष के आदमियों को भरोसे में भी नहीं लेंगे और साथ भी नहीं लेंगे। ये है राजनीतिक रोटियां सेकना। राजनीतिक रोटियां ये नहीं है जो कमलनाथ जी ने कहा। कमलनाथ जी विपक्ष के नेता होने के नाते उनका दायित्व है कि ये सवाल खड़े करें जो प्रदेश में देखते हैं। ऑक्सीजन की कमी के कारण लोग मर गए, इसका दोष कमलनाथ पे है, मुख्यमंत्री आप है, पीछे के रास्ते से आप बने, आपने कुर्सी हथियाई और फिर भी आरोप प्रत्यारोप। शर्म आनी चाहिए आपको थोड़ी। विचार करो और सही दिशा में काम करो। कमलनाथ जी का भावनात्मक रिश्ता इस मध्य प्रदेश से है और उनका संदर्भ इसी भाव से है।